सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आ गया हूँ मैं फिर से आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का एक और नया एपिसोड लेके। तो भाई आज जो डायनो टेम होने वाला है ना भाई, कसम से बता के मतलब दिल में एकदम खुशी मिल रही है भाई मुझको। मैं तब से मतलब परेशान था ढूंढ ढूंढ के, इतना कहाँ कहाँ मैं गया, बट मिला कहाँ, वो मेरे घर के बाजू में, मैं समझ रहे हो। तो भाई तुम लोग का मतलब दिखाई देते फटाफट। लेकिन भाई मेरे को बेड लगाना है, क्योंकि मैं उसको देखने जब गया था तो मुझको कुत्ता बना के मारा भाई वो। तो चलते हैं पहले बेड लगा देते हैं, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, बट लगा देते हैं बेड। बेड लगाओ, बेड लगाओ, एक फाउंडेशन निकालो, थोड़ा आगे लगाते हैं, क्योंकि अब भाई मरना तय है हम लोग का, 3-4 बार मरना। और मैं डायनो नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि अगर फाइट होगा मेरा डायनो जाएगा या वो जाएगा, तो मैं भाई किसी को खोना नहीं चाहता, मैं खुद मर जाऊंगा। ठीक है भाई, मरने दो। तो भाई एक थैच का फाउंडेशन लग गया है, इस पर बेड लगा दो, बस भाई यहाँ हो गया अपना काम ख़त्म। हम लोग को अब एक ट्रैप, जस्ट आगे एक ट्रैप बिल्ड करना बस। अब वो बंदा जो है ना भाई, तुम लोग देखोगे तो भाई पागल हो जाओगे, सही बता रहा हूँ, बहुत ख़तरनाक बंदा है वो। एक थोड़ा सा बढ़ा रहा, मतलब ट्रैप था इसमें अपना थैरी हम लोग टेम किए थे, थोड़ा लो लेवल का था, मतलब हाई लेवल का थैरी था जो इसी में हम लोग टेम किए। तो जो भाग नहीं गया था उस एपिसोड में, वही उसी को टेम किए हम लोग इसमें, साला भाग गया था वो। और जिसको मैं मारा था वहाँ पर अपने स्पाइनो के साथ, वो वाला नहीं था, वो भाग गया था साला उठ के। नारकोटिक की कमी थी यार उस समय, क्या ही कर सकते हैं। और ये थोड़ा ट्रैप हम बनाया था उसके लिए, तो डिमोलिश करते हैं भाई, वो रिकॉर्ड नहीं पाया उसको टेम करते हुए। चलो छोड़ो उस, वो तो हम लोग कर ही चुके हैं भाई। लेकिन ये जो है भाई हाई लेवल का भाई, और ऊपर से क्या बताऊँ यार, लुक इसका भाई बैड एस लुक है भाई, एकदम खतरनाक। ऐसे मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आप लोग को, फटाफट में मुद्दे पे आता हूँ। तो भैया बन गया है हम लोग का, जो बन रहा था मुद्दे पे हम लोग आ गए हैं। बस ये थोड़ा रोशनी आंखों पे, मेरी आंखों को फाड़ रही है, उसको थोड़ा सा सिस्टम करना है। अभी उधर जाता हूँ मैं, 4-5 रैंप बस लगाना है, उसके बाद तो भाई अपना ट्रैप तैयार है। उसके बाद ट्रैप तैयार है, और शायद मेरा मुद्दा जो है वो थोड़ा भटक गया है कहीं पे, लगा लूँ फटाफट। लग जा, लग, शायद मेरे पीछे ही है कहीं, मेरी फाड़ ना दे वो बस। अबे ट्राइक मत मस्ती कर, तो लगा वही आ गया, सबर का बांध टूटा जा रहा है, कौन है वो। अरे अरे आराम से भाई, मेरी फट रही है बहुत जोर, बहुत जोर फट रही है भाई उससे। ये काम करता हूँ, थोड़ा सा और बचा है मेरा, मतलब मुद्दे पे तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा क्राफ्टिंग करना जरूरी है। साला 3 घट कैसे गया मेरा, मैं गिन के गया था। फटाफट चलो बन गया, ये लो 3। तो भाई बन रहा है फटाफट, बन रहा भाई, बस बस होने वाला है, सही सिस्टम होने वाला है, थोड़ा सा और है बस। एक बन गया, 2 बना ही था, एक बना दे बस, एक बना फटाफट लगा। बंदर कौन बोला है, कोई बंदर तो बोला है, वैसे लेवल भी आ गया, दिख गया होगा आप लोग को। ये रहा, यही हम लोग का मुद्दा है। तो तुम लोग बोलोगे भाई टीरक्स तो टीम कर रखे हो, तो नहीं भाई, टीरक्स वो बाप लेवल है। अरे बाप रे, मैं तो गलत ही काम करता हूँ, जो बोले झूठ, ट्रैप में फालतू में बनाया हूँ, इस साला इधर चल के आ गया। चल तू फंसे रहे भाई, अब हम उसको घुमा के कैसे भी इस बंदे को लेके जाना पड़ेगा अपने ट्रैप के पास। पहला मुद्दा मेरा ये है, और दूसरा मुद्दा मैं मरने वाला हूँ, आराम और चिल्ला मत। अरे बाप रे बाप, पीछे उसकी प्रेजेंस फील हो रही है भाई, मेरी गांड फाड़ने आ रहा है वो। अरे बाप रे बाप, भाग रे भाग, जल्दी भाग हराम खोर, बाप रे बीस्ट है भाई, जल्दी निकल, बाप भाग 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 भाग। मेरे को लगा कि गया भाई,
वो तो स्पीड मेरी बाप सिंह वाली है। चलो जो चाहता था वो नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ। अब उसको खाते रहेगा आराम से जिंदगी भर। खाओ तुम बाबू उसको, खाओ। हाँ चबाओ उसको। वैसे लेवल आया भी नहीं, पहले इसको पीछे दना दन मारने पे फोकस करते हैं। और भाई ये टीरेक्स फीमेल है और 88 लेवल की है, मतलब समझ रहे हो ना, सोने पे तांबा हो गया है। सुहागा नहीं तांबा। पहला तो अंडा मिलेगा हम लोग को, किबल बनेगा दब के। और दूसरे भाई हाई लेवल की, इससे बढ़िया मैं डायनासोर ही नहीं देखा आज तक, मतलब देखा हूँ लेकिन टीरेक्स है भाई, बाप लेवल का है भाई। हम लोग का आज हाई लेवल टीरेक्स हो रहा है टीम। उसके बाद हम लोग के पास दो दो हो जाएगा। वैसे चिट्टी बाबू भी है बढ़िया, लेकिन भाई सोचो उसको मैं शायद 20 लेवल पे या ऐसे कुछ 18 लेवल पे किया था टेम, और इसको कर रहा 88 लेवल पे टेम। और ये उड़ते उड़ते हो जाएगा 120 या 30 हो जाएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद भाई इसके अपग्रेड करूँगा अगर लेवल तो जाएगा 70 उत्तर तक। 70 नहीं यार, थोड़ा तो ज़्यादा हो गया, 60 या 50 तक जाएगा। सोच रहा हूँ ना 150 लेवल के अपने पास टीरेक्स रहेगा। 150 लेवल का भाई साहब, 150 लेवल का टीरेक्स भाई, घुस जाओ इसको लेके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है टीरेक्स है यार अपने पास, कोई भी सामने आ गया उसके पास चीरम फारी सब चालू। बस एक बार एक नोक हो जाए और कोई भी बाधा क्रिएट ना हो, क्योंकि बाधा क्रिएट करने के लिए उस साइड जो है एक अल्फा रैप्टर है बैठा, तो भाई वो बाधा क्रिएट कर सकता। बस एक भाई टेम हो जाए ना उसको, तो मैं बीच से ऐसे लूँगा एकदम सेंटर से, काटते काटते उसका मुंह फाड़ डालूँगा। अबे मेरा टूट रहा पूरा। अबे ओ भाई भागने भाग भाग जल्दी भाग, हराम के पिल्ले भाई, वो खा के मेरे पीछे पड़ गया ये। चल साले फटाफट भागो। ऐसे डरने वाली बात नहीं है, इसकी स्पीड उतनी है जितनी मैं क्या बताऊँ मेरी है। समझ गए होगे। तो भाई इसको, अबे यार जा नल्ले, उसको लगा और थोड़ा खाएगा। चलो हो गया भाई, भाग रहा है, आराम से टीम हो गया। लगता है जल्दी बोल दिया मैं, ना ना बहुत जल्दी बोल दिया, जल्दी नहीं तो उसी के पास जा रहा है, अल्फा रैप्टर के पास। अबे यार पानी में क्या, अब इसको मैं मार नहीं सकता। जा जा तू उधर ही जा जा। वैसे भाई अल्फा रैप्टर इसको नहीं मारेगा, क्योंकि जब तक ये टेम नहीं होगा मुझसे ऐसे ही सब नहीं लड़ाई करते, क्योंकि ये भाई बहुत देर से स्पॉन हुआ पड़ा है और मैं ये छठवा ट्राई कर रहा हूँ इसको नॉक करने का। मेरी गांड फाड़ के रखा था ये। और मेरा एक पेट्राडॉन और शहीद हो गया इसमें, RIP और पेट्रा माई पेट्रा। चलो अबे टेम हो जा भाई, कब से फ्लू कर रहा है, कम से कम 10 मार चुका हूँ डैट तुझको। कितना तो मेरा, मतलब उसमें से 5 मिस हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। मैं तेरा पैर छूना भाई, उस साइड मत जा, उस साइड एक टेरर बर्ड इसकी माँ की घूम रही है, मत जा भाई प्लीज। एक टेरर बर्ड है भाई उस साइड, मेरा ब्रोंटो जब टेम हो रहा था कसम से मेरी खोपड़ी देखो आ गई। अबे टेरर बर्ड नहीं प्रैप्टर है, भाग जल्दी, भागो भागो भागो। ये सब नलपट रैप्टर, औकात में आ जाओ अपने। अबे यार पूरा खानदान लेके आ रहा है, तेरी माँ का सूत्री मारू। तू आ जा पीछे आ ले तू बाबूआ, ना ना आ जा। अरे साला अबे यार इसको हटा 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 हटा, हट गया। एक बोला इसके मुंह पे मारो। अबे अबे भाई भाग भाग। अबे ये कैसा स्पीड है भाई इसका, खतरनाक है भाई। गरीबी में आटा गीला, वैसे तो हो गया नॉक। इसको टेम नहीं करूँगा, बहुत कम लेवल का है। आराम और चीटी चाटा, हट हट। अबे मत कर भाई मत कर।
अबे चीटियों ने लाल कर दिया मुझको मार के। कहाँ गया वो नाली के कीड़े? अबे यार ये तो बहुत कम मीट है मेरे पास, इन सब से निकालना पड़ेगा। कहाँ गया उसका डेड बॉडी? अबे कहाँ, छोड़ो इसी को मार, उधर भी एक नॉकआउट करना है ना उसको। चलो रैप्टर भी फ्री में टेम हो रहा भाई, मुझको रैप्टर बहुत अच्छा लगता है। हाई लेवल का हो तो कभी जिंदगी में उसको मारू ही ना। आ रहा है एक और भड़वा आ रहा है। आजा 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 ले 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 आजा ऊपर आजा आजा आजा। थक गया वैसे मैं, थोड़ा सा हरामी गाचा घूम रहा है। वैसे गाचा कुछ बोलता तो नहीं है ऐसे, मतलब उसको उंगली करूँगा। ये किसका बैग है? छोड़ो, अच्छा उसी का मीट उसमें होगा दो। छोड़ो अभी भाई, इस पर फोकस कर लेते हैं। रैप्टर्स को हटाना है, उसके बाद आगे एक टेरर बर्ड है, फिर अपना टीरेक्स पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तू नहीं चल सकता नुबड़े, तेरी पिछवाड़े में पड़ेगा डैट, उसके बाद दे रैपिड पड़ेगा, समझ रहे हो ना? चल हो जा, हट हट हट। इसको तो भाई बोला मारने की भी जरूरत नहीं है, जो बाजू में आया। चल चल सो जा, नींद में सो जाओ बाबू, गुड। अब ये लग गया ना भाई, छोड़ दूंगा गेम खेलना नहीं छोड़ूंगा भाई। अबे भाई क्या शॉट हो गया भाई, पे तो प्रो हो गया यार। देर रैपिड मार मार के सबकी हालत बन चक कर दी है। मैं तो ले भाई तू जा भाई, दो रैप्टर फ्री में हो गया। वैसे मैं लाल पीला हो गया हूँ, इसको तो मैं हटा ही दूंगा। तो आगे चलते हैं फटाफट। वैसे यहाँ पर भी एक रैप्टर था ना इधर, मैं शुरुआत में जब इस सब मेरे पीछे मैं दौड़े थे तब था। और वैसे वो रैप्टर दोनों ब्लू कलर के, भाई क्या कातिलाना लुक है भाई। ये नाली का कीड़ा यहाँ पे घूम रहा है। अबे यार ये हराम की पिल्ली टेरर बर्ड कुतिया कहीं की। ओफ हो भाई, रैप्टर से नहीं डर लगता कसम से मुझको, इस कुत्ती से डर लगता है भाई, इससे। अबे छोड़ दे, मैंने तेरा नहीं आइसक्रीम खाया। भाग। बाप रे बाप, लाल कर दिया। भाग रही, भागो बापू भागो भागो भागो। वैसे टेरर बर्ड की स्पीड है भाई, हटो यहाँ से भागो। अबे यार एक बूंद भी अगर डैमेज तूने नाली के कीड़े लिया ना, तेरा मैं अंतिम संस्कार कर दूंगा। छोड़ दे भाई, छोड़ दे मुझको, क्या लेना है तुझको, क्या चाहिए क्या मुझसे? अबे यार अटक मत, मरना डिजर्व नहीं कर सकता यहाँ पे मैं, मतलब अभी डिजर्व तो मैं मरना ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसको टीम नहीं कर रहा, उसका टॉरपोर चढ़ रहा है, और उसके बाद मैं उसको छूऊंगा तो छीलेगा मुझको। आइए देखो नाली का कीड़ा एक और टीरेक्स स्पॉन हो गया यहाँ पे। टीरेक्स भाई ना आप समझ लो टेम कर रहे हो, मैं मतलब और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो उसको फंसा ले अपने जाल में और दे रैपिड फटाक से बजा दे, वरना अपना टूट जाता है। ये देखो दोनों लोग दो सट तोड़ दिया, मेरी गांड भी तोड़ दी इसने। तो भाई आज का वीडियो यहीं करते हैं एंड। नहीं भाई इसको टेम करूँगा आज, कैसे भी टीम करूंगा, मरूं चाहे जीऊं, इसीलिए बेड लगाया था, मैं जानता था मरूंगा यार। ये कुतिया टेरर बर्ड ना, इसका तो मैं छील डालूंगा इसको, एक बार उठ जाऊंगा उसको मारना भाई। अब भाड़ में जाए टीरेक्स, मतलब भाड़ में नहीं जाए, पहले इसको मारना है कैसे भी, उसको मुझको टेम करना भाई। हाई लेवल टीरेक्स ऊपर से टैक है भाई, वो करना है उसको कैसे भी। उसका लुकिंग है भाई, लुक भाई क्या है, रात में उसको देखा था मैं, सोचा ये क्या आ गया। उसको कुछ कैसे भी करना है भाई, कैसे भी, वो मेरे को अपने टीम में मांगता है। वैसे इसका कोई कुछ उखाड़ तो पाएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा डर है, रैप्टर से भिड़ता नहीं है ये, ज़्यादातर आपका शाकाहार वाले जानवरों को मारता है। और मेरे पीछे चींटियों का ग्रुप और टीरेक्स बाबा मुझे पड़ चुके हैं। ये हराम का पिल्ला कुतिया साला से पड़ गया भाई। एक काम कर भाई, मैं झुक जा, अब साले
क्या बोलना, कुछ भी बोलना। आ जा तू, आ जा पहले। इसको चकमा देना पड़ेगा, उसको चकमा। एक बार मेरा गोली और बारूद आ जाना, बम बारूद इसके ऊपर बरसाता हूँ। फिर टेरर बर्ड भाई ना इतनी ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब करते हैं, मुझको रैप्टर से बिल्कुल डर नहीं लगता है। ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आग खेलता होगा कोई बंदा तो उसको रैप्टर से डर लगता है भाई। हाँ भाई, प्रो आदमी है, ख़तरनाक आदमी है, उसको कदुआ डर ना लगे। भाई यार मेरे पीछे ही ये भी पड़ा है। अरे भगवा, अबे पत्थर हरामी, इधर भागो, इधर भाग। ओ भाग रे भाग, जल्दी भागो भागो। भाई उसका मतलब एक अटैक समझ रहे हो ना, उसका एक अटैक और मेरी आधी बॉडी गायब, गायब हूँ मैं भाई उसका एक अटैक, इसलिए मेरे अंदर डर देख सकते हो तुम। अरे यार कितना दिक्कत भाई, ट्रैप में फंसा लिया हो तो ये सब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता मुझको। इस कुत्ते को लग भी नहीं रहा है, ऐसे कुतिया है। आ जा तू आ जा पहले, तू आ जा। हाँ आओ, आपकी बात फटाफट कर। अब चीटी भी खानदान आ गया भाई इन लोग का पूरा। अनोइंग जीव है। अबे यार खत्म हो जाओ प्लीज, खत्म। वो टेरर बर्ड ना पड़े, टीरेक्स मेरे पीछे पड़ जाए और मेरा डाइट खत्म होने ही वाला है। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे टीरेक्स। अरे अरे गांव वाले सुनो, टीम हो गया मतलब गिर गया टीरेक्स। ओ भाई मौज काट दी भाई मौज। अब भाई टेरर बर्ड कुछ नहीं उखाड़ पाएगा क्योंकि टीरेक्स सोया हो चाहे जागा, देखो शेर जो है सोता हुआ शेर और जागा हुआ शेर, इसमें कौन सा शेर सबसे ज़्यादा खतरनाक है तुम बताओ। ऑब्वियसली भाई सोया हुआ शेर अगर उठेगा तो फाड़ेगा बहुत गंदा, वैसा सिस्टम इस पर भी लागू करता है, इस वजह से कोई इसको टच नहीं कर पाएगा। और मैं आराम से इन दोनों को, अबे यार मैं क्यों करता हूँ भाई, ये कौन है। अबे उधर भी टीरेक्स, इधर भी टीरेक्स, टीरेक्स की टेरिटरी है क्या ये। हाँ तुम लोग मेरे पीछे आना शांति से, चलो आ जाओ फटाफट आओ, एकदम चुपचाप, समझ रहे हो ना, एकदम चुपचाप मेरे पीछे आना। अगर टीरेक्स के पास गए तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे हम, चुपचाप मेरे पीछे आओ समझे, फटाफट। कहाँ है, हाँ एकदम सीधा सीधा रख के मेरे पीछे चलो, फटाफट चलो, समझ रहे हो ना, आओ फटाफट। भाई दो रैप्टर अपना टेम हो गया है भाई, ब्लू कलर क्या बैडेस लग रहा है भाई, और अपना टीरेक्स तो भाई अलग है। आज तीन चार डाइनो हो गया टेम, ऐसे रैप्टर हम लोग कर चुके हैं टेम, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेते यार क्या दिक्कत है। रैप्टर भाई जितना हो ना भाई मेरे लिए उतना कम है रैप्टर। अब ऐसे मेरा पापा रैप्टर बेटा रैप्टर दोनों मर रहे भाई। पापा रैप्टर तो जल्दी मरा, अपना बेटा रैप्टर तो आप लोग देखे ही थे। दुख है भाई उसका, मेरा मेरे अंदर एकदम दुख है, उसके अंदर दर्द है। वो हाई लेवल का मेरा रैप्टर था भाई, पापा रैप्टर। वो ये निकालते हैं हम लोग प्राइम मीट का जर्की। अबे यार धीरे आया करो यार, तुम डरा देते हो। वैसे मैं रैप्टर से नहीं ना डरता भाई, थोड़ा डर तो है। इन लोग की आवाज़ यार खटखट खटखट और चलते सब मतलब अच्छा लगता है मुझको रैप्टर, पता नहीं क्या। यार अपना हाई लेवल का थैरी 135, ये भी 88 लेवल का था जब मैं इसको पकड़ा था, और उसी ट्रैप में जहाँ मैं इसको पकड़ना चाहता था अपने टीरेक्स को। और भाई तुम लोगों को पता है मैं क्या करने वाला हूँ, ये कौन सा ट्रैप। अबे हराम के पिल्ले, करो फेंक दे रहा मुझको। चल तुम भी बैठ ही गए हो, और एक और बंदा अपना, तू उसको एक काम कर सैडल दे दे, मैं इसको सेट करता हूँ पहले। तो भाई एक और बंदा मैं अपने शिप पे रखूँगा फिर चलूँगा, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट भी करना है ना, वहाँ मैं एक टीरेक्स और अपना
वो भी देख दिया। वैसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन भाई अपने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं नहीं जा रहा, अपने आप को, उसको तो कोई छुएगा नहीं, लेकिन मेरे को फाड़ेंगे सब। तो भाई इसीलिए दो थैरी और एक तो एक और अपना रैप्टर। तो भाई दो रैप्टर अपने पास वैसे ही थे क्योंकि हम लोग टेम किए थे, और एक रैप्टर और हम लोग का खर्च हो गया था। रैप्टर तो साले पैसे की तरह उड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो हो जा मेरे को फॉलो। हमारा टीरेक्स यहीं छोड़ देते हैं भाई, टीरेक्स की ज़रूरत नहीं है। और भाई ये थैरी जो मेरे पास, तुम लोग मान पाओगे भाई ये थैरी बाप है, समझ रहे हो ना, ये थैरी खतरनाक लेवल। अबे तू कहाँ आ रहा है, तू कहाँ आ रहा है भाई, चल भाई चल। यार इसका तो तुम भी चार हो जाओ इससे, ठीक है। वैसे छोड़ देता हूँ यार रैप्टर, मेरे खर्च इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना भाई, मेरे को डर लग रहा पता नहीं क्यों। अबे हरामखोर तू नीचे, तो उसको मैं घर तक छोड़ के आऊँ। चल तुम लोग एक काम करो, नीचे रहो, भाड़ में जाओ, मेरे पास मत आओ बस। मेरे माथे में कुछ चढ़ नहीं रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ, माथा मेरा गर्म हो गया है अब। एक रैप्टर मुझको लेके जाना, रुक जाना, इधर आओ। अबे इधर, अब किससे फॉलो बे तुम लोग, शांत हो जाओ भाई, नहीं ले जाऊंगा किसी को भी, सोचा लेके जाऊंगा, शांत रहो, किसी को नहीं ले जाना, ले रहोगे तुम लोग सब लोग। ऐसे बढ़िया है भाई, रैप्टर मेरे बहुत जल्दी खर्च हो रहा है, रहन देता हूँ सबको, सबका पहले छोटे मोटे डायनोस मार के लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, उसके बाद कहीं जाएंगे। तो भाई थैरी अपने साथ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिक्कत नहीं है मतलब, तो भी थोड़ा देखना, देखते रहना पड़ेगा भाई। अल्फा रैप्टर जो है ना भाई, उससे थोड़ा सा बच के हम लोग को रहना है। ऐसे मार देगा थैरी, क्या बोलूँ, अपना स्पाइनो मर गया भाई अब। हाँ भाई तुम लोग बोलोगे कैसे, कब, कहाँ, क्यों, तो भाई उसका मेरे पास जवाब नहीं है। मैं हूँ नलपट्ठा आदमी, हाँ मैं उसको ले गया था लेवल अप कराने, सोचा कि एक रैप्टर तो झेल ही लेगा भाई, 100 लेवल का आखिर झेल लेगा, लेकिन भाई एक रैप्टर को मारते मारते कब दूसरा रैप्टर प्रवेश कर गया, वो भी अल्फा वाला भाई। मैं बता रहा हूँ ना, दो दो रैप्टर पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है, घूम रहे, ऐसे घूम रहे कि क्या मैं बताऊँ। और उस समय मैं ग्राइंड कर रहा था तो चालू में ही था भाई मेरा, रिकॉर्डिंग नहीं चालू थी भाई, उसकी मौत का शोक भी नहीं बना पाए, दर्द हो रहा भाई मेरे बिग बॉय के लिए बहुत जोर से। वैसे बिग बॉय उसी का नाम था, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो। भाई पहुँच गए यार, अब क्या ही कर सकते हैं, उसकी याद में हम लोग, यादें ही हैं, मेरे पास शब्द नहीं है भाई, मेरे को दर्द हो रहा है। पहला अपना डायनो था वो, जिसको हम लोग कहते थे हाँ भाई इसके अंदर है पावर, लेकिन भाई यही है यार, आर्क का यही है, कोई डायनो जाता है ना बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट, दुख, पीड़ा, ओफो। ये कहाँ से आ गया था भाई, अरे यार मैं कहीं से कहीं पहुँच जाता हूँ, ऐसे ही हो रहा है भाई अपना। चलो अब यार टेम कर लेंगे, वैसे भी वो थोड़ा लो ही लेवल का, लो लेवल नहीं भाई, बहुत बढ़िया था भाई, मतलब अपना स्पाइनो, क्यों झूठ बोलूँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके याद में हम लोग उसका सैडल में रखा हूँ, वहाँ मैं गया था भाई, कैसे कैसे मैं अपना सामान और उसका सैडल उठा के बस लेके आया हूँ, मैं खुद जान रहा हूँ भाई, वो भी पैदल गया था। इसीलिए मैं डायनो, जानते हो मैं टेम करने जाता हूँ पैदल क्यों जाता हूँ, मेरे डायनो मेरे से दूर नहीं जाए मेरे को। अबे हरामी कुछ समझा रहा, तुम लोग भागा दौड़ी कर रहे हो यहाँ पे, भागा दौड़ी ना करें कृपया करके, कौन किसको फॉलो किया है मुझको ये बता दो पहले। अच्छा ये वाला इसको किया है, चलो। अबे हरामी तू क्या कर रहा भाई, उसको लगा था कि इसमें सिर्फ एक डायनो को फॉलो कर सकता, राफ को फॉलो भी कर सकते हैं सर। ओ भाई ये तो मैं जानता ही नहीं था, वाह तालियां होनी चाहिए, बहुत सही। तो भाई
फीलिंग जुड़ी होती है ना भाई। और ये कुत्ते का बच्चा वुड तोड़ रहा है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जब मैं बोलूँ तब तोड़ा कर वुड। तो हाँ भाई, ये फाइट करते समय अगर इसके पास पेड़ हो तो ये वुड तोड़ लेता है। उसके बाद कहता है भैया मेरा वेट बढ़ गया है, मेरा वेट खाली करो। अब फाइट के बीच में वेट खाली करते बैठूँगा तो भाई आगे वाला मेरी चड्डी फाड़ देगा। मैं चड्डी की जगह और भी कुछ फाड़ सकता है। अरे वैसे भाई, अगर तुम्हारे पास प्राइम मीट हो तो उसको पका लिया करो, क्योंकि ऐसे तुम इसको फीड करा सकते हो, मतलब डायरेक्ट जल्दी टेम कर सकते हो। साफ सीधी बात अपनी भाई, एक रात पूरी लगेगी तो हम लोग चलते हैं घूमने। आओ बाबू, यही अच्छा नहीं लगता और कोई बात नहीं है। मुझको गुड तोड़ना ऐसे जगह पे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको तुरंत फेंका जाए। और ये साला इतना अंधा वुड कलेक्ट करता है ना भाई, एक झापड़ में कम से कम 4 स्टैक वुड निकालेगा ये। अब मेरे पास ये क्यों आया है? इसको फेंकना है भाई, ट्रांसफर नहीं करना। फेंको इसको। चलो भाई, चिल्ला मत बाबू, चिल्लाए ना, कृपया करें, मर जाए आप शांति से। और वैसे इसका पिक्चर जो था भाई, शुरू होने से ख़त्म हो गया, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया भाई ये। और मैं नल पट्टे की तरह इसको क्यों खिलाया भाई? एक मैं इसको गलती से मिला गया हूँ। चलो हम लोग को प्राइम मीट भी मिल गया भाई। वैसे प्राइम मीट ज़्यादा अच्छा होता है, पकाने के बाद थोड़ा सा उसका अंदर का पौष्टिक आहार कम हो जाता है, मतलब इन लोग के लिए। वैसे मैं ऐसे खा लूँ कच्चा तो भाई मेरा पेट ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं पका के खाता हूँ। आई एम कॉम्प्लेन बॉय। उसने क्यों बोला? छोड़ो भाई, देखिए भाई यही बता रहा हूँ मैं, ये फूट तोड़ता है फाइट के बीच में। कोई सेटिंग है ऐसी जो उससे बंद हो सकता है? ये है तो भाई बैड एस आदमी है। थैरी है इसका, 200 का डैमेज है, ये गांड फाड़ सकता है किसी की भी जब चाहे तब। लेकिन भाई इसकी एक कमजोरी है, ये वुड तोड़ लेता है फाइट के बीच में, उसके बाद इसकी टट्टी निकल जाती है। तो भाई थोड़ा सा मैं बैरी भी निकाल लेता हूँ, को देख भाई ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं निकाल के रखूँगा भाई। बाय चांस अगर उसका टॉर्पोर इस कुत्ते की तरह गिरने लग गया तो दिक्कत हो सकता है। और वैसे तुम लोग सोच रहे हो मैं ऐसे घूमा घूमी क्यों कर रहा हूँ? तो भाई मैं अपने कातिल को ढूँढ रहा हूँ, समझ रहे हो ना, उस कुतिया टेरर बर्ड को ढूँढ रहा हूँ। उसकी बोटी बोटी करके मैं लेग पीस चबाना चाहता हूँ, ऐसे करके चबाना चाहता हूँ। छोड़ो भागी गई है तो जाने दो, जीने दो। और वैसे ये है आपका 87, थोड़ा एक लेवल मैं बढ़ाई के बताता हूँ, मतलब अच्छा लगता है। मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरे को पता नहीं था 87 है। मैं आगे कहीं देखा था तो भाई इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें अलग है। क्यों? क्योंकि भाई इसका कलर अलग है, तो तुम लोग को भी दिख रहा है। तो भाई इसका कलर अलग है और इसकी आंखें भी अलग है, रात में अलग जली थी, मतलब ब्लू उसकी भी जलती है लेकिन वो पूरा ब्लू कलर का है ही। ये थोड़ा सा आपका मल्टी कलर में है, मल्टी कलर में इसके पेट पे थोड़ा सा पिंक है, वैसे होना भी चाहिए क्योंकि एक लड़की है ये। इसके पैर के पंजों में ब्लू है, बढ़िया है भाई, सिस्टम है भाई, ये सिस्टमेटिक वे से, मतलब अबे यार तू लोग पीछे मत आया करो। और वैसे यहाँ का मैं सब जगह खाली कर सकता हूँ लेकिन ये होना चाहिए। और तो और भाई सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, हम लोग को यहाँ पे एक जगह पे ऐसा काम करना है जिससे वहाँ का आदमी एक है अल्फा रैप्टर, तो वो इधर ना आ पाए। बस अगर वो इधर आ गया तो भाई चीर फाड़ चालू करेगा वो, तो उसको रोक के रखना है। टीरेक्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो टेम होगा उसके बाद तो चीड़ी देगा, चीर देगा उसको। लेकिन दिक्कत यहाँ पे फंसती हम लोग की मेरे थैरिस की बात में, क्योंकि ये है नाली का कीड़ा थैरी, मेरा वाला मार तो देगा उसको लेकिन बीच में वुड हार्वेस्ट करेगा और फिर लगेगा रोने। इसी वजह से हम लोग को सेफ रहना है। ये बोलने में मुझको आधा घंटा लग गया, तो फटाफट काम करते हैं। और उस थैरी को भाई ना मैं इसको इन सबको यहाँ में रख देता हूँ, मतलब थैरी यार मेरे, उस रैप्टर को मुझको उस साइड ही रखना है, उसका उसी साइड। और ये देखो, ये रहा थैरी का, देखो दिखा ये सब। अब भाई
मैं देख रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको, मतलब सीख रहा हूँ कैसे खेलते हैं। वैसे भी मैं नया ही था। तुम लोग यहाँ रुक जाओ शांति से। अबे मिर्गी, ये देखो इसको हराम के, तू आ जा थोड़ा इधर घूमने में रह। तू ये साला पूंछ पे मार देगा उसके, ऐसे ऐसे करके नाखून बुलुदी मैं। तू शांति बैठो यहाँ पे, शांति रखें कृपया करके। मैं थोड़ा चेक करके आता हूँ अपने डायनोस को, मतलब रैप्टर को। यार मैं क्या बोलता हूँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ। और मुझको अभी तक ये नहीं पता है कि उस पर बोला का असर होता है कि नहीं। एक बार मैं बोला मारने गया था तो मेरा कुछ और मार लिया था, लेकिन उस बात अलग है, उसको छोड़ते हैं। चलो चलो चलो। और भाई अल्फा रैप्टर से मुझको अजीब सा डर हो गया भाई। स्पाइनो मेरा मर गया, मेरा दिल टूट गया भाई, पूरा दिल छल्ली छल्ली हो गया। वो देख रहा हूँ वहाँ पे मर्डर करके लाश के बीच में एकदम नाची जा रहा है वो। थोड़ा सा बहन का पकौड़ा होता है भाई ये, थोड़ा सा मतलब चुतिया होता है। मारेगा उसके अंदर कुछ पता नहीं क्या ढूंढता अपनी मौसी, मैं क्या बोल रहा भाई, मतलब कुछ तो ढूंढता है भाई। लेकिन उस समय तुम लोग मार सकते हो उसको। मैं मारने की कोशिश किया था लेकिन मेरा दिक्कत हो गया था। उस समय तुम लोग ट्राई करो तो मार सकते हो भाई अपने, मतलब ये रहा अपना दूसरा टीरेक्स अपने एरो से। मतलब वो कुछ बोलता तो नहीं है लेकिन भाई वो लास्ट जब हार्वेस्ट हो जाती है, समझ रहे हो ना, उसके बाद चीरने आता है वो। इसकी स्पीड रैप्टर्स से ज़्यादा होती है। वैसे अपना ये पेटाडोन के लिए, अबे हराम खोर नल पट्टे। और भाई जानते हो एक चीज़, ये जो टीरेक्स टेम हो रहा है तो ये जो टीरेक्स टेम हो रहा है, इसके पेट में मेरा एक पेटाडोन है, उसको भी निकालना है। नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, उसको निकालूंगा कहाँ, डाइजेस्ट होके वो पूप में कन्वर्ट हो गया होगा। वैसे मैं भी हो जाता लेकिन बच गया मैं थोड़ा मोड़ा। अबे यार नल पट्टा ही मैं करता हूँ बहुत। मैं थोड़ा अपना मुआयना ले रहा हूँ कौन कौन है, क्योंकि जानते हो भाई देखना जरूरी है। अगर कोई अल्फा या ऐसे कुछ आ जाता भाई, मैं बहुत बहुत दिक्कत है भाई आर्क में। अगर तुम शांति से किसी चीज़ को टेम कर रहे हो, शिद्दत से किसी चीज़ को चाह रहे हो उसमें, तो होती नहीं है होती ही नहीं है भाई, हो ही नहीं सकती है शिद्दत से। शांति से तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, उसमें वॉयलेंस ज़रूर आएगा। मतलब उसको गिराया हूँ तुरंत टीरेक्स आया साला आराम को। अगर मैं अकेला रहता तो भाई मेरे को मार ही देता, इसीलिए मैं लेके आया हूँ भाई। इसमें भाई अगर तुम्हारे पास है, टेम करने के बाद लेके आओ, ऐसे मत लेके आना। किसी भी डायनो को अपने साथ मत रखो। अगर तुम अगर उसको गिरा दिए उस जो टेमेबल डायनो है जिसको तुम करना चाहते हो, तब लेके आओ, वरना तो भाई दिक्कत है, तुम्हारे डायनोसॉर उसमें फाइट हो जाएगा जिसको तुम करना चाहते हो टेम। थोड़ा मैं ज्ञान भी चोद देता हूँ एक ही रहा भाई स्पाइनो का सैडल एक बना हुआ क्या, उसी का सैडल भाई रखा हूँ मैं उसको। भाई यार बहुत दर्द होता है मेरे को अभी भी, बहुत सोच सोच के मतलब डिप्रेसिंग फील होता है भाई, क्या बताऊँ मैं। एक आर के डालने के लिए भाई डिप्रेस में जा सकता हूँ मैं, सोच लो। तो भाई यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ फैब्रिकेटर और पॉल्यूमर मुझको बनाना है, और मतलब प्रोग्रेस भी तो करना है गेम में। टेमिंग से प्रोग्रेस तो होता नहीं है, तो करना पड़ेगा। तो भाई फैब्रिकेटर में बनता है पॉल्यूमर, और पॉल्यूमर बनता है ऑक्सीडियन और सीमेंटिंग पेस्ट से। पॉल्यूमर और वो एक और चीज़ होता है कुछ करके, वो तो भाई टैग डायनोस को मारने से भी मिल जाता है। मतलब वो उतना एफर्टलेस मिल जाता है, वो कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और भाई इसके कोने कोने में एलईडी लाइट फिक्स है भाई। और भाई मुझको जल्दी पता चला है कि अगर आपको ब्रीड कराना है दो डायनोस को, तो वो टैग होने आवश्यक है, क्योंकि लोहा और समझ ही रहे हो ना, तो वही है। तो टैक वाला भाई मेल भी ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो गोबर हो, एक ही लेवल का होगा तो भी चलेगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। जीवन साथी का मामला है तो भाई यहाँ पे करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है कि
प्रतिबल की भी सवाल है हम लोग का। ऐसे अपना चिट्टी रोबो भी एक फीमेल ही है, अब मैं क्या बोलूँ, आर्क वालों का मुझसे दुश्मनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो भाई उसका नाम चिट्टी रोबो रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, फीमेल है तो क्या, एलजीबीटी नहीं भाई, एलजीबीटी वाला सिस्टम नहीं, पहन लो कपड़ा। कपड़ा पहन लिए भाई हम लोग, कपड़ा पहन के ठंडा लग रहा था इसलिए मैं पहन लिया हूँ। ठंड लगती है भाई मुझको, रातों में नींद नहीं आती है जब से वो गई है, मतलब तो कुछ और ही निकल जा रहा है। ओ मरिया, लगा दो इस पे मार्क। ये दोनों अपना टेम हो गया है, तुम लोग हट जाओ। हटाते कैसे, अच्छा क्लिक करते हैं। ओ भाई अबे ये क्या लग गया भाई, ओ भाई ये तो कुछ अलग है। रुको 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 रुको, थोड़ा दूर जाने दो मुझको, ये कुछ अलग चीज़ है भाई ये। ओ ये तो डायनो ट्रैकर टाइप का कुछ है भाई। अबे यार इससे तो सिस्टम आसान हो गया। रुको रुको थोड़ा और दूर जाने दो मुझको। ओ भाई ये भी होता है क्या गेम में। भाई मैं शॉक हो जा चुका, आई एम सॉरी। खतरनाक चीज है भाई, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा अभी तक कुछ। हम लोग तब तो घर से भी देख सकते हैं इसको, मतलब मैं घर पे बैठा हूँ या चाय पी रहा हूँ। मतलब कितना हुआ टीरेक्स अपना लेवल थोड़ा बताना तो भाई। हाँ 50%, ओके सर ओके, ऐसे कर सकते भाई हम लोग, खतरनाक चीज़ है भाई ये तो। तो भाई पीछे जो रिंग टोंग चल रहा था प्लीज प्लेक्स उसको इग्नोर कर दे। और भाई हम लोग एक टाइम लैप्स तो भाई मैंने बनाया नहीं, नलबाज आदमी हूँ इस वजह से। तो भाई एक कट इन्जॉय कर लो आप, ठीक है खत। तो हो गया भाई, थोड़ा सा लिटिल बिट छोटू सा बचा है, बस थोड़ा सा बचा है। और भाई मीट खा ले प्लीज़ यार, हो जा। और इसका नाम भी मैं, हो गया भाई कमेंट तो कोई करता नहीं घंटा, तो नाम भाई मैं ही सोच लिया हूँ, इसका नाम मैं ही रख दूँगा, क्या करना है, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। कमेंट कर दिया करो प्लीज़ यार। हाँ तो वो कोई दूसरा आदमी था तो कमेंट आप लोग कर दिया करो प्लीज़। तो भाई हो रहा है, ये कब होगा मुझको समझ नहीं आ रहा। आधा घंटा बैठा हूँ, बारिश हो गई, बसंत ऋतु आ गए। हो गया ये। अबे भाई यार क्या मैं बताऊँ, इसका नाम जो रखा हो ना वो कुछ वन पीस से रिलेटेड है, जो वन पीस के चाहने वाले हैं वो कुछ बड़े बड़े ख्यालों से अपना दिमाग को मतलब ठंडा कर सकते हैं वन पीस वाले। यस यस वन पीस वाले बंदों के लिए ये नाम रखा जा रहा है, और वो नाम है ये। तो भाई इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं भाई, तो नामी नाम है इनका आज से, आप हैं आपसे नामी। तो भाई थरी गला खराब, गले में खिचखिच बिस्की गोली रोक घिसकी दूर करो, ये वाला मैं ऐड नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं बकचोदी नहीं करता हूँ, बस बातों से पेलता हूँ बकचोदी। तो भाई टेम हो गया अपना टीरेक्स, कैसे बोलूँ इसमें स्त्रीलिंग कैसे डालूँ। तो भाई टेम हो गई अपनी टीरेक्स, और उसको लेके चलते घर पे फटाफट। और मैं बीच में डायलॉग भूल जाता हूँ, मैं नल का पट्टा हूँ। चल 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 बैठ जा। अबे अबे मेरा नाव मत, अबे यार क्या तोड़ा तूने, रुक 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 रुक, कुछ तो अच्छा लकड़ी तोड़ा, मुझको लगा नाव तोड़ दिया मेरा। ओ भाई वैसे फिट नहीं होगा यार, अपनी चुल्लू भर की नाव है, 5 रुपये नहीं भाई बहुत महंगी नाव है। इसके टाइल्स को हम लोगों ने खुद सोने से बनवाया है, लकड़ी से भाई, सॉरी
तो भाई इधर आ जा थोड़ा सा, तो उसको सीधा अपने नाव पे ऐसे सवार कर देना है, तू आ जा। और भाई वीडियो की लेंथ जो है मेरे ज़िंदगी से भी बहुत बड़ी हो गई है, मतलब क्या बोलता हूँ यार, मैं कुछ भी बोलता हूँ। चलो भाई फटाफट चलते हैं, बक्सोदी में छोड़ता हूँ, हो गया अपना नाव पे सवार। उसके अलावा तो इसको पैदल ले जाना पड़ेगा इस रात में। अबे अबे थैरी तू कैसा घूम रहा है, मत कर भाई प्लीज, मैं नहीं चाहता तुझको पानी से खींच के निकालना। वह ये टेमिंग इफेक्ट हटता कैसे है, तो इधर सकते हो बात। अबे भाई डेविल लग रहा भाई, इसको एक बार देखो तो। अबे क्या खतरनाक बंदा है भाई, लग रहा है कि खूनी है ये, एकदम खूनी नामी है भाई, एकदम उसके जो बैडएस फॉर्म वाली नामी है। रात करने पे और खतरनाक लगता है यार, बाप रे बाप। देखो इसका एक बार चेहरा देखो, मुंह देखो बस उसका, खतरनाक है भाई। और ये टेमिंग वाला इफेक्ट जो है, इसको मैं कैसे हटाऊँ, उसको मैं चेक करता हूँ। फिर टैप करके हट गया, तो मतलब टेम होने के बाद ऐसा कुछ फ्लोट करता है। हाँ चलो भाई हो गया टेमिंग, तो भाई आज की वीडियो को तुरंत ऐड करते हैं, तुरंत फटाफट बाय। और इसका सैडल हम लोग कल ही बना के चेक करेंगे, वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, हम लोग वीडियो नहीं डाल पाऊंगा मैं। बाय बाय बाय, टाटा टाटा।